अध्याय 10वां। मित्र का ध्यान सदैव गुरु चरणों पर रहे। एक आध्यात्मिक कक्षा में हम सभी मित्र दादा श्री जी के साथ बैठे थे। एकाएक दादा श्री जी ने हमसे पूछा कि जब वे हमारे साथ नहीं होते हैं तब हम किस तरह से उनका ध्यान करते हैं, या हम सब उन्हें किस रूप से याद करते हैं, किस रूप में देखते हैं। हम सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। एक मित्र ने कहा कि वह गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं। दूसरे ने कहा वह अपने भीतर के दादा श्री जी के साथ बात करते हैं। किसी ने कहा कि वह दादा श्री जी की श्रीमूर्ति की आराधना करते हैं, तो किसी ने कहा कि वो दादा श्री जी का अनुभव प्रकाश के रूप में करते हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि जब भी मैं दादा श्री जी के बारे में सोचता हूँ या ध्यान करता हूँ तो मेरा पूरा ध्यान उनके चरण पर रहता है। यह सुनकर दादा श्री जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, एक मित्र का ध्यान केवल गुरु चरण पर ही होना चाहिए। इस तरह जीवन में सब कुछ सहजता से प्रवाहित होगा, जीवन सहज होगा। मानव शरीर में सर का ऊपरी भाग, हथेली और पैर का पंजा सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्से हैं, जिनसे सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से मानव शरीर बना है। जैसे कि जब भी हम किसी से हाथ मिलाते हैं तब हम हमारी ऊर्जा उनके साथ बांटते हैं। आप एक दूसरे के आभा में हस्तक्षेप करते हैं। आभा अर्थात ऑरा। ऐसा ही होता है जब हम अपने गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। शरीर की पूरी ऊर्जा उनके पैरों के पंजों के माध्यम से प्रवाहित हो आप में प्रवेश करती है। इसलिए जब आप गुरु के चरणों की आराधना करते हैं तब गुरु की सारी ऊर्जा आप में प्रवाहित होती है। गुरु का उनकी ऊर्जा सहित अनुभव केवल गुरु के चरणों द्वारा ही हो सकता है। प्राचीन काल से प्रचलित गुरु चरणों की आराधना का सिर्फ यही उद्देश्य है कि गुरु की उस उच्चतम ऊर्जा से हम जुड़ सकें।